नमस्कार, हम बात कर रहे थे समरूपता की। तो उसी घड़ी में देखो आप कुछ सवाल कर लिए, कभी कभी आपको छोटा सवाल ही पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि देखिए कोई त्रिभुज है ऐसे ए बी और सी, कह देगा ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं डी और ए ई, फिर कह देगा डी ई समांतर है किसके बी सी के। आपको दिया हुआ होगा कि पहले डी ई किसके समांतर है बी सी के, आपको सवाल में दिया होगा कि डी ई समांतर है बी सी। फिर क्या हुआ कि इन चार जो पार्ट बच रहे एक दो तीन चार पूरा पांच दूसरा छ, आपको क्या हुआ छह में से कोई भी तीन मान देंगे ना, कोई मान देंगे तीन, फिर बाकी मान आपसे पूछ सकता है। पहले छोटा सवाल ऐसे ले सकता है कि आप मुझे देखिए ये दो सेमी है, आपको दे दिया तीन सेमी, फिर उसके बाद ये दिया आपको सात सेमी, तो आपको कह दे कि इसका मान ज्ञात है कीजिए, किसका मान इसी का। अब जो हमें दिया हुआ है कि डी ई समांतर है इसके बी सी के, आपको चार मानों में से क्या तीन मान दे दिए, दो सेमी तीन सेमी और सात सेमी, और कह दिया कि इसी का मान ज्ञात है, इसी का मान ज्ञात है कीजिए। ऐसे नहीं किसी हो सकती, इन चारों में से कोई भी एक मान गायब हो सकता है। अब करने का तरीका वही है, अब देखो डी ई समांतर है किसके बी सी के, तो आप क्या लोगे आधार भूत समानुपाती प्रमेय से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी बटा में डी बी बराबर होगा किसके ए बटा में ई सी। अब ए डी का मान कितना है दो, डी बी का मान कितना है हमारे पास तीन, ए का मान कितना है हमारे पास सात, इसी तो हमें ज्ञात करनी है। ये इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, तो क्या है हमारे पास टू ई सी बराबर कितना आया सात गुना में तीन, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास इक्कीस बटा में दो, इसी का मान कितना आया हमारे पास दस पॉइंट पांच। ऐसे सवाल हमारा ऐसा भी हो सकता था इसका उल्टा कि आपसे ऐसे पूछ सकता था कि ए बी सी यहां पे दो बिंदु है डी और ई, आप वो कह देंगे ये चार सेमी है ये सात सेमी है ये तीन सेमी और ये छह सेमी है, और हमें कह देंगे क्या ऐसा हो सकता है कि डी ई समांतर हो बीसी के, तो डी ई समांतर है बीसी के तब होगी जब हमारे पास क्या आता ए डी बटा में डी बी समांतर आ जाए किसके बराबर आ जाए ए बी बटा में ई सी के आ जाए, इन दोनों का अनुपात क्या है समान आ जाए तब तो क्या हो सकता है ये हो सकता है नहीं होगा। तो वही देखा मैंने ए डी का मान चार बटा में सात आया और यहां से कितना आया तीन बटा छह, जो क्या हुआ बराबर है नहीं है, इसका मतलब समांतर है नहीं है। अब मान लो इसी जगह यहां पे क्या होता आठ होता तो ये नीचे क्या आता आठ, फिर देखो ध्यान से ये आता है एक बटा में दो और ये भी आता है एक बटा में दो आता, अब इनका अनुपात क्या है समान है। अब करने का स्टाइल फिर क्या होता आपको जगह से मालूम चलता, आप करते किसी किसी करना था उसको पहले निकालते ए डी बटा में डी बी, तो किसे आता चार बटा में आठ कितना आता एक बटा में दो, नाम दिए प्रश्न नंबर एक, फिर ए बटा में ई सी तो क्या आता आपके पास तीन बटा में छह कितना आया एक बटा में दो, इक्वेशन नंबर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आता हमारे पास है कि ए डी बटा में डी बी और ए बटा में ई सी, इन दोनों का अनुपात क्या है सेम आ रहा है। जब अनुपात सेम है इसलिए क्या लिख देंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, उसमें लग रही थी प्रमेय लग रही इसमें विलोम लग रहा है, तो हमारे पास क्या आता डी ई समांतर हो जाती किसके बीसी। कभी कह दिया एक चतुर्भुज है जैसे ये आपके पास मान लें चतुर्भुज है, सवाल के हिसाब से मैंने पूरा पढ़ चुका हूं मालूम है समझना, आपको दे दिया नाम उसको ए बी सी और डी दे दिया, कहा कि इसके विकर्ण परस्पर काम करते हैं ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें दिया हुआ है ऐसे दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, किस प्रकार की ओ ए बटा में बी ओ ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ, इस प्रकार वो प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज ये सिद्ध करके दिखाना है।
तो रचना कर रहा हूं इसके लिए। रचना में मैंने क्या कि यहां से कोई ऐसे ओ से ओ ई कीजिए किसके समांतर एबी के समांतर ओ ई समांतर किसके एबी खींचे। उससे पहले का समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? उसकी समूह भुजाओं में से समूह भुजाओं के दो जुड़े होंगे। इसे मान लो एबी के समूह कौन है डीसी और एडी के समूह कौन है सीबी। इनके दो समूह यानी कि जो समूह जोड़े हैं इन जोड़ों में से क्या एक जोड़ा यानी कि समूह भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो समांतर हो जाए यानी कि एबी समांतर किसके डीसी कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? आप यह कह सकते हो कि समलंब चतुर्भुज है। ये सिद्ध करने का मतलब कि चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक जोड़ा क्या कर देंगे समांतर। हम ये सिद्ध कर देते हैं कि एबी समांतर है किसके डीसी के। ये अपने क्या बन जाएगा समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ओ ई समांतर किस किस लिए मैंने एबी। आप करते हैं उपपत्ति जो रचना की उसका यूज करते हैं। ओ ई समांतर है एबी ये दोनों चीज किस त्रिभुज में आ रही है त्रिभुज कौन सा ए बी सी में। अब देखो आपको दिया हुआ है क्या ओ ई समांतर है किसके एबी के तो क्या लगेगी आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अब आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या कहती है कि मान लो कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेगी मान लो ए बी के समांतर कौन सी खींची हुई है ओ ई तो ओ ई क्या करेगी बाकी दो भुजाएं कौन कौन सी ए सी और ए बी सी को समानुपात में विभाजित करेगी। और हम क्या लिख सकते हैं ए ओ बटा में ओ सी और बी ई बटा में क्या आ जाएगा ई सी आ जाएगा। ठीक है इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला मैंने लिख दिया। पोटेंशियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओसी बटा में ओए और सी बटा में ई भी लिख सकते हो पोटेंशियल नहीं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर एक। जबकि हमें दिया क्या हुआ है जबकि हमें क्या दिया हुआ है दिया हुआ है कि ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ ये तो हमें क्या दिया है। हम क्या करते हैं साइड सेम करते हैं इसलिए मैंने इसको मैं कह सकता हूं ए ओ बटा में सी ओ इसको ले लिया इसको ऊपर ले आता हूं बी ओ और यहां आ गया हमारे पास डी ओ। अब ये इक्वेशन नंबर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिखवा फर्स्ट और सेकंड को देने से मालूम चलता है हमारे पास क्या एक साइड बराबर हो रही है तो दूसरी साइड भी क्या होगी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे हम लिख सकते हैं कि बीओ बटा में बीओ और बीई बटा में ई सी। अब इस उदाहरण से देखो आप इस हिसाब से बीओ बटा में डी ओ है ना और बीई बटा में ई सी कौन से वाले में त्रिभुज है बी सी डी में क्या चीज है बीओ बटा में बीओ और बीई बटा में ई सी क्या लग रही है अब की बात आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम। अब विलोम लग रहा है अनुपात क्या आ रहा है समान आ रहा है मतलब इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला अनुपात समान है तो क्या हुआ जो ये वाली रेखा कौन सी ओ ई समांतर हो जाए किसके डीसी के है ना। जबकि हम जानते हैं देखो जबकि ओ ई समांतर है किसके ए बी के तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी समांतर किसके डीसी होगा अतः ए बी सी डी एक समलंब होगा। क्या होगा समलंब होगा हमने खींचा था ओ ई को किसके समांतर ए बी के हमने सिद्ध कर दिया कि ओ ई किसके समांतर है डीसी के। अब ओ ई ए बी के समांतर है तो क्या होगा डीसी भी क्या होगी ए बी के समांतर मतलब ये वाली भुजा इसके क्या होगी समांतर इसलिए क्या बन गया समलंब चतुर्भुज बन गया। ये सवाल इसका उल्टा भी हो सकता था कैसे हमें दिया हुआ था तो समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना था। अब हमें कहते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज है तो सिद्ध करके दिखाओ कि ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी होगा। चलो करते हैं इसको भी देखो आप दिया है अब की बार इसका उल्टा है दिया है क्या
कि चतुर्भुज ए बी सी डी, ए तो समलंब चतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ है, जिसमें क्या है ए बी समांतर है इसके डी सी, ये हमें दिया हुआ पहले से है। फिर इसके बाद सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ, जो हमें दिया था पहले सवाल में वो आपके पास सिद्ध करना है। रचना हुई सेम, रचना में क्या किया मैंने ओ ई समांतर किसके ए बी खींची, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं उपपत्ति। अब देखो ये दोनों चीज कहां पे आ रही है, त्रिभुज ए बी सी में ओ ई समांतर है किसके ए बी, ये तो रचना से। अब समांतर है तो सीधी सी बात क्या लगेगी यहां पे, आधार दो समानुपाती प्रमेय, तो हम इसको क्या ले सकते हैं ओ ए बटा में क्या आएगा ओ सी, और यहां से क्या आएगा बी ई बटा में क्या आ जाएगा ई सी आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर एक। अब इसी प्रकार देखो ध्यान से कि हमें क्या दिया, देखो ओ ई समांतर है किसके ए बी, और ए बी किसके समांतर है डी सी। देखो चलो लिखना चाहे पूरी लिख देते हैं, ये तो क्या हुआ रचना, ये तो क्या है रचना से, ठीक है। और आपको देखो ध्यान से कि आपको दिया हुआ है कि डी सी समांतर है किसके ए बी, ये हमें दिया है, इसलिए क्या हमारे पास कि ओ ई समांतर हो जाएगा किसके डी सी के, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ए बी समांतर है किसके डी सी के, हमने रचना की थी ओ ई समांतर है किसके ए बी के, तो ओ ए बी तो इसके समांतर दिख लगा कि ओ ए बी क्या हुआ समांतर हुआ किसके डी सी के हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं ओ ई और डी सी किसमें आ रहे हैं, त्रिभुज कौन सा बी सी डी में, ओ ई समांतर है किसके डी सी, तो क्या लगाएंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, देखो आपसे ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर, तो हमारे पास क्या आएगा कि बी ओ बटा में डी ओ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास बी ई बटा में ई सी, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है दो। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर एक और दो को देखने से मालूम चलता है कि इसकी राइट हैंड साइड दोनों के क्या है सेम, इसलिए हम क्या ले सकते हैं ए ओ बटा में ये वाला ओ सी और बी ओ बटा में ओ बी बटा में, यहां उल्टा लिख दिया हमने इसको, जी हाँ लिख देते हैं ऐसे बटा में ओ डी। अब तो सीधी हुआ, इसको यहां ले आते हैं इस वाले को यहां ले आते हैं, तो क्या हुआ ओ ए बटा में क्या आया ओ बी, तो क्या हुआ ओ सी बटा में ओ डी, ये हमारा वापिस क्या हुआ सीधे हो गया। जैसे आपको सवाल दे दिया ऐसे, इस प्रकार का सवाल दे दिया ये कि ए बी सी और डी और यहां पे और बिंदु दिए ई और एफ, आपको कहा कि यहां पे आपको दिया है, दिया हुआ है कि ए बी समांतर है किसके ई एफ समांतर है किसके डी सी, आपको ये तीनों ना आपस में क्या है समांतर है ऐसे, तो वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ, ए ई बटा में ई डी और बी एफ बटा में क्या एफ सी होगा, इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला होने वाला है, ये सिद्ध करना रचना। रचना में क्या किया मैंने बी को डी से मिला दिया, बी को किसे मिला दिया मैंने डी से मिला दिया, बी को जब बी को मिला, अब बात करते हैं, अब इसको नाम दे दिया मान लो मैंने पी दे दिया, मिलाया बी डी ई एफ को पी पर क्या करता है प
प्रतिच्छेद करता तो क्या होगा? देखो हम बात करते हैं उपपत्ति की। देखो आपको ध्यान चलेगा त्रिभुज कौन सी बात कर रहा हूं मैं, चलो ये लिखता हूं पहले ए डी बी में, ए डी बी में। अब देखो ई एफ समांतर है किसके, ए बी के, ये तो मैं दिया है, इसलिए ई एफ का छोटा भाग घर कौन सा है, ई पी। ई पी भी क्या होगा, समांतर होगा किसके, ए बी। ठीक है, तो क्या होगा ई पी, मतलब ये पूरी इसके समांतर है, इसका छोटा भाग भी क्या इसके समांतर होने वाला है। अब ये समांतर है तो क्या लगे, इसके आधारभूत समानुपाती प्रमेय, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई बटा में ई डी, समांतर है किसके, बी पी बटा में क्या आ जाएगा, पी टी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार आप देखो ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है कि ई एफ समांतर है किसके, डी सी, ये तो हमें दिया है, तो ई एफ का छोटा भाग कौन सा है, पी एफ, वो भी क्या होगा, डीसी के समांतर होने वाला है। तो इसलिए क्या हुआ, त्रिभुज सी डी, चलो लिख देते हैं बी सी डी में आधार भूत समानुपाती परिमेय, ये वाली इसके समांतर हो गई। अब ध्यान रखना उस हिसाब से हम लिखेंगे, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, बी एफ बटा में एफ सी और बी पी बटा में क्या आ जाएगा, पी डी आ जाएगा। ठीक है, यहां जो हमने लिखा है उस हिसाब से हमने इसको लिख दिया। इक्वेशन नंबर कौन सी, दो, तो बस वही बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसे फर्स्ट और सेकंड को देखने में मालूम चल रहा है इसकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए क्या हुआ, ए ई बटा में क्या आया, ई डी आ गया, और बी एफ बटा में क्या आ गया, एफ सी आ गया। ये हमें सिद्ध करना था कि एक त्रिभुज है इसका नाम है ए बी सी, ए बी और ए सी, इसमें कोई डी ई समांतर है इसके बी सी, और दूसरा कह दिया आपको कि ई एफ, ई एफ समांतर है किसके, डी सी के, ई एफ समांतर है किसके, डी एफ के, डी सी के। पहले देते हैं दिया कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके, बी सी के, वह एफ ई समांतर है किसके, डी सी के, ये तो हमें दिया हुआ है। फिर हमें सिद्ध करना है, अच्छा सवाल है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध करना है कि एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर बराबर ए बी गुणा में ए एफ, ये सिद्ध करना। कुछ नहीं सोच रहा मैं, क्या दो चीज दी हुई है, इनमें लगाओ आधार को समानुपाती प्रमेय, अपने आप सवाल हो जाएगा। तो करते हैं ये चीज उपपत्ति, हमें क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर किसके, बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, किस वाले त्रिभुज में, पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके, बीसी। इसलिए क्या आया हमारे पास, लिख देना आधारभूत समानुपाती परमेय, आधारभूत है समानुपाती परमेय, हमारे पास क्या आएगा, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में क्या आएगा, ईसी आ जाएगा। ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद देखो दूसरी चीज क्या दी हुई है हमारे पास, एफ ई और डी सी, एफ ई और डी सी। अब ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में आ रही है। यहां क्या चीज है, एफ ई समांतर है किसके, डी सी के, तो यहां भी क्या लगने वाली है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगने वाली, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ए एफ बटा में क्या आएगा आपके पास, यानी कि आप कोई भुजा ले सकते हो, नहीं हमें कहते को ध्यान से कि आप उस किस हिसाब से लेना पड़ेगा आपको, इस हिसाब से सवाल कुछ बनना चाहिए कि हमारे पास सवाल हो जाए। आपको क्या एक साइड तो बनानी पड़ेगी, इलाज ही नहीं है। तो देखो ए एफ
बटा में क्या लेंगे, पूरी ले लेते हैं, क्या ए डी ले लेते हैं, फिर वहां से लेंगे ए ई, बटा में क्या आएगा ई सी आ जाएगा। नहीं फिर यहां पे लफड़ा उठना, देखो यहां से ई साइड तो बन जाएगी, इसके अलावा यहां भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ डी लेना पड़ेगा। चलो हमने दे लिया इसके बटा में ये वाला, और इसके बटा में ये वाला ले लिया। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, दो। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से देखने पर हमें मालूम चल रहा है इसकी राइट हैंड साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। राइट हैंड साइड क्या हो रही है इसकी, बराबर हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या लिख देंगे इसकी, बराबर लिख देंगे। बराबर में क्या है आपके पास ए एफ, बटा में क्या आया एफ डी आ गया। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है। क्या आ रहा है, ए बी, और साथ में हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए। आप ध्यान रखना कि हमें बनाना पड़ेगा ए बी, आधी आधी बुझा दी, ए बी तो पूरी है, ये पूरी तभी बनेगी जब क्या करें, एक जोड़ते हैं। तो हम स्टार्टिंग बात कर चुके इसके बारे में, जब दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो पूरी भुजा बन जाती है। अब पूरी भुजा बन जाती है, लेकिन आप ध्यान रखना जो चीज नीचे रहती है वही बचती है, दूसरी चीज अपने आप चेंज हो जाती है। क्यों, ऊपर रहेगी तो लघुत्तम रहेगा, अपने आप बढ़ने वाली है, इसको जोड़ने वाला है, इसको चेंज हो जाती है। जो नीचे रहेगा वो बचा रहता है, ध्यान रखो। आप देखो हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए, आपको एडी को बचाना है, इसलिए क्या, इसको पहले उल्टा कर दो, इसको आपको क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब दोनों तरफ क्या करो, एक जोड़ दो, दोनों तरफ क्या जोड़ो, एक जोड़ दो प्लस वन, और यहां एफ डी बटा में क्या आया ए एफ प्लस वन। उसके बाद देखो आप इस वाले का लघुत्तम, इस वाले का लघुत्तम आया हमारे पास ए डी, इस वाले का लघुत्तम ए एफ, तो यहां से क्या आएगा डी बी प्लस ए डी आ गया, और यहां से ए एफ है तो क्या आएगा एफ डी प्लस ए एफ। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये तो बन गया ए बी बन गया, और ये क्या बन गया ए डी बन गया, और यहां से देखो ये तो बन गया क्या ए डी, और ये बन गया ए एफ। अब तीसरा गुणा करो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो यहां से तो क्या आया ए बी गुणा में ए एफ, और यहां से क्या आया आपके पास ए डी स्क्वायर। ये तो हमें सिद्ध करना